आध्यात्मिक विभूति संत प्रवर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का 127वीं जन्मोत्सव बृहस्पतिवार को श्री भाई जी की तपस्या स्थली गीता वाटिका में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर साय 4 बजे से आयोजित श्रद्धार्चन सभा की अध्यक्षता करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं जीवन पद्धति है। भाई जी ने कल्याण और गीता प्रेस के माध्यम से सनातन धर्म का उत्कृष्ट सस्ता आध्यात्मिक साहित्य जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। भाई जी सनातन धर्म के मूर्तिमान नक्षत्र थे। सन 1923 में गीता प्रेस की स्थापना के बाद जब हम स्वतंत्र नहीं थे उस समय हमारे पास संसाधनों का भी अभाव था। आज जैसे संसाधन नहीं थे श्री भाई जी ने सीमित संसाधनों से जो शुरुआत की वह अब विराट वृक्ष बनकर करोड़ों लोगों के कल्याण का साधन बन गया है। गुलामी के उस काल में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में सोचना और करना भाई जैसा महापुरुष ही कर सकता था। इस दौरान उन्होंने भाई जी के जीवन प्रसंग पर आधारित अंग्रेजी पुस्तक हनुमान प्रसाद पोद्दार एंड एन एक्साल्टेड डिविनिटी एडिटेड बाय डॉक्टर ओपी गुप्ता तथा मधुरोपासना लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का लोकार्पण किया और श्रद्धार्चन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने श्री भाई जी की समाधि का दर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, प्रोफेसर अनंत जी मिश्र, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के सचिव श्री उमेश कुमार सिंघानिया एवं संयुक्त सचिव श्री रसेंदु फोगला ने योगी जी का स्वागत किया। वहीं कुमारी नीतू ओझा ने एकल भजन प्रस्तुत किया। उमेश कुमार सिंघानिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके सबके प्रति कृतज्ञता आभार ज्ञापन किया। श्रद्धार्चन का समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। प्रेम हरि है श्री और हरि भी प्रेम है। और फिर कहते हैं प्रेमी प्रियतम आप जी पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं जी रामदेव जी पूज्य राधा बाबा एवं सावित्री देवी कोगला जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित देते हुए भावांजलि अर्पित करते हुए कृपया अपना स्थान ग्रहण। मैं इसी के साथ पूज्य महाराज जी के स्वागत अभिनंदन के लिए गीता वाटिका के साथ गोरक्ष पीठ के क्षेत्र में पूज्य भाई जी पूज्य महंत दिग्विजयराज जी महाराज एवं सुरेंद्र मजीठिया जी जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद भागवत तमाम ग्रंथ हैं, साहित्य है, ज्ञान साहित्य है, योग साहित्य है, संत साहित्य है। हम लोग तो रात दिन उसी के
उसी की रोटी खाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। भगवान की प्राप्ति जो परम ध्येय है मनुष्य का, तो केवल इच्छा से प्राप्त होते हैं। अब मुझे दुख से कहना पड़ता है, गोरक्ष भगवान से चाहते हैं, गोरक्ष भगवान को नहीं चाहते। दुर्गा से चाहते हैं, दुर्गा को नहीं चाहते। इच्छा हो जाए भगवान उसी क्षण प्रकट होते हैं। हम स्वयं अपने लिए अपने अनुभव से जानते हैं कि जितनी उपासना पूजा पाठ हम लोग करते हैं, संध्या वंदन दर्पण ये वो, हम लोग तपस्या करने जाते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो नारद जी ने कहा कि देखो इस वृक्ष में चित्रणीय मज्जा सिंह अतिथियों से आग्रह करूंगा कि ये उसका लोकार्पण करें। सदैव भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की 127वीं जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर पाल मुकुंद जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उपस्थित सदस्यगण, श्रद्धालुजन और उपस्थित सभी गोरखपुर के भाई जी के प्रति, इस गीता नाटका परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, मैं सरदेव भाई जी को उनकी 127वीं जयंती के अवसर पर सनातन हिंदू धर्म की जो साहित्यिक सेवा उन्होंने की है, इसके लिए कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उनके इस चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी सेवा भाई जी ने भारत के सनातन हिंदू धर्म की साहित्य के माध्यम से की है। पूरे देश और पूरी दुनिया के बाद के पास कल्याण पत्रिका के माध्यम से भारत के सनातन धर्म के मूल तत्वों को जिस भावना के साथ उन्होंने ले जाने का कार्य किया, आज भी आप देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, आज जब साधन हो चुके हैं, मीडिया के अनेक रूप आ चुके हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, विजुअल मीडिया है, साधन भी बहुत हो चुके हैं, तो आप संदेश को और किसी बात को एक समुदाय तक पहुंचाने में तब भी हमें एड़ी चोटी लगानी पड़ती है। लेकिन याद करिए 1922-23 में गीता प्रेस की स्थापना के साथ जो कार्यक्रम और जो साधना उन्होंने प्रारंभ की, देखते ही देखते देश और दुनिया में हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी के पास
कल्याण के माध्यम से और गीता प्रेस के प्रकाशन के माध्यम से एक उत्कृष्ट सस्ता सरल भाषा में विशुद्ध साहित्यिक भाषा में साहित्य पहुंचाने की जो एक महती कार्य गीता प्रेस ने सरदेव भाई जी ने किया है वह सनातन हिंदू धर्म के एक मूर्तिमान नक्षत्र के रूप में सभी हिंदुओं के लिए श्रद्धा के पात्र बने हैं। हम सब वास्तव में कभी कभी अपने महत्व को स्वयं नहीं समझ पाते हैं और ये भूल हमसे तब होती है जब हम लोग दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की तुलना प्राचीन परंपराओं के साथ करने लग जाते हैं। हमारी समृद्धि हमारी संस्कृति में और हमारी परंपराओं में रसी बसी है। हमने उसके महत्व को कभी उजागर करने का प्रयास नहीं किया और हम कभी उसमें उसके गूढ़ रहस्यों में जाने का प्रयास भी नहीं किए। सतही रूप से जानने का प्रयास हमने किया और जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्म पर हमारी परंपरा पर हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ हम या तो मौन हो गए या फिर उनकी हां में हां मिलाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उस कालखंड में सोचिए जब देश गुलाम था, इस देश की उस राजनीतिक गुलामी के कालखंड के दौरान भी भारतीय संस्कृति के बारे में सोचना, सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करना, सनातन धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में देश और दुनिया के सामने बेहिचक रखने का साहसिक कार्य करना, यह कार्य सरदेव भाई जी जैसा महामनीषी ही कर सकता था और उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन भी किया। उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े, साधन का अभाव था, संसाधनों का भी अभाव था, चुनौतियां अनेक थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो उससे जूझते रहे और दुनिया को बताते रहे कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। हमने जब सनातन धर्म की तुलना किसी एक मत मजहब और संप्रदाय से करना प्रारंभ किया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने धर्म को एक जीवन पद्धति माना। हमारे यहां धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं था, एक जीवन पद्धति थी, एक सर्वांगीण विकास की एक ऐसी जीवन पद्धति जिसने धर्म को केवल एक उपासना विधि तक, किसी एक ग्रंथ तक और किसी एक ईश्वर तक सीमित नहीं रखा। हमने क्या कहा, धर्म क्या है, जिसमें अभ्युदय और निःश्रेय दोनों की परिकल्पना को साकार किया जा सके। यानी सांसारिक जीवन में हम भौतिक विकास के लक्ष्यों के माध्यम से, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और परलोक में निःश्रेय की परिकल्पना को भी साकार कर सके। हमने इस संपूर्ण जीवन इसको ही हमने धर्म माना। हमने धर्म केवल उपासना विधि को नहीं माना, एक ग्रंथ को नहीं माना, एक ईश्वर को नहीं माना, एक पद्धति को नहीं माना। लेकिन जब हम इससे तुलना करने लग गए जिसने कहीं भी प्लान का रास्ता नहीं अपनाया, सम विषम परिस्थितियों में जूझता रहा, आगे बढ़ता रहा, और यह इसलिए क्योंकि भाई जी जैसे मनीषी समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होकर के मार्गदर्शन करने के लिए एक योद्धा के रूप में, धर्म योद्धा के रूप में इस व्यवस्था का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए।
आज उसका परिणाम है। ये छोटे से कार्य से जो कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया वह एक विराट वृक्ष बन करके करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा देते हुए दिखाई दे रहा है। हम सब इस बारे में जानते हैं, जब महर्षि अरविंद से पूछा गया यह देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उनसे पूछा गया कि वास्तव में आज का सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, तो उन्होंने, आप सब जानते हैं, महर्षि अरविंद अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी जीवन से आगे जाकर के जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन हुए, उनसे जब पूछा गया कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, उन्होंने दो टुक बात कही। उन्होंने कहा, राष्ट्र के प्रति भक्ति ये सबसे बड़ा पुण्य है इस युग का, और राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार की गद्दारी ये सबसे बड़ा पाप है इस युग का। यानी राष्ट्र धर्म हम सबका सबसे बड़ा धर्म है, और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन न करना इस युग का सबसे बड़ा पातक का कारण है। हम सबको इन महापुरुषों के जीवन दर्शन से यही प्रेरणा प्राप्त भी करनी है। समय समय पर इस प्रकार के मनीषी इस धराधाम पर आकर के उस प्रकार की व्यवस्था का सृजन भी किए, एक दिशा देकर के फिर अपनी आगामी यात्रा के लिए प्रस्थान भी कर गए। सरदेव भाई जी आज से 127 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए, देश के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े, और उसके बाद साहित्यिक सेवा के माध्यम से व्यापक जन जागरण के जिस अभियान के साथ वे जुड़े, आंदोलन आजादी के आंदोलन के दौरान आप सबने इस बात को देखा होगा, कल्याण की पुरानी प्रतियों को कभी देखिए, खंगालिए उनको, जिसमें कल्याण की प्रतियां इस बात को लेकर के जब्त होती है, क्योंकि वह देश की स्वाधीनता का एक नया शंखनाद करते हुए दिखाई देती है। क्योंकि कल्याण के माध्यम से, भाई जी की लेखनी के माध्यम से जन चेतना का जो संचार देखते हुए बनता है, ब्रिटिश हुकूमत उससे थर्रा उठती थी, और इसीलिए उनके खिलाफ अभियोग और महाभियोग चलाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कल्याण की प्रतियां जब्त होती हैं, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन इन सब की प्रवाह के बगैर उन्होंने जीवन के जिस पथ का अनुसरण किया, सनातन धर्म के जिन मूल्यों, जिन उच्च आदर्शों को अपने जीवन का ध्येय बना करके कार्य आगे बढ़ाया है, आज भी गीता वाटिका के माध्यम से, गीता प्रेस के माध्यम से ये साधना निरंतर आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि आज जब देश हर एक क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्रेरणा है महापुरुषों की, जो समय समय पर इनके द्वारा इन मूल्यों के माध्यम से लोगों के मन में एक नई जागृति पैदा की है। याद करिए, आज दुनिया के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, अभी आपने ह्यूस्टन का प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्बोधन को, और पहली बार भारतीय समुदाय के किसी कार्यक्रम में, भारत के किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति की उपस्थिति, और उसके माध्यम से जो संबोधन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के प्रति और भारत की जनता के प्रति व्यक्त किया, ये गौरव भारत की 130 करोड़ जनता का भी बढ़ाता है, सबका भाग्य है। मैं पिछले 25 वर्षों से, या तो मेरे पूज्य गुरुदेव या मुझे यहां पर सरदेव भाई जी के इस कार्यक्रम के साथ आने का अवसर प्राप्त होता था, विगत दो वर्ष के दौरान मैं नहीं आ पाया। मैं श्री सिंधु फोगला जी को भी बार बार इस बारे में कहता था,
सुमेध सिंघानिया जी से भी मेरी चर्चा होती थी, और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि रात्रि से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है। मैं सुबह देखा, जब सुबह पहले बारिश नहीं थी, हल्का बूंदाबांदी थी, जैसे चलने को वहां मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। लेकिन मुझे विश्वास था कि इस बार सर्वे भाई जी के इस जयंती कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा, और आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। न केवल हमारी सनातन हिंदू धर्म की पहचान थे, भी तो गोरखपुर की पहचान को भी उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। शिक्षा के क्षेत्र में लोक कल्याण के उन विभिन्न आयामों को अपने जीवन के अंदर समेटे हुए उस पूरे अभियान को लेकर के निरंतर कार्य करते रहे, और साहित्यिक सेवा तो उनकी अद्भुत थी, अनमोल है, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए वो सचमुच अपनी एक धरोहर है। इस धरोहर से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम सबको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सरदेव भाई जी के द्वारा दिखाए गए उन सभी मार्गों का अनुसरण करना है जो जीवन की विभिन्न आयामों को अपने साथ समेटे हुए कैसे हम एक आदर्श नागरिक के रूप में अपना व्यवहार, अपने कृतित्व को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उस भाव के रूप में हम सबको अपने आप को आगे बढ़ाना है। मैं इस अवसर पर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सेवा का जो कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे भाई जी ने गोरखपुर वासियों को, इस स्मारक समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, इनके पूर्वजों को दिया है, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, और उस निरंतरता के साथ ही जुड़ने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज के इस अवसर पर सदैव भाई जी को उनके 127वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। Oh,